हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मैं बोल रही हूँ कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो पिंपल सौदागर ब्रांच से। दोस्तों, हम एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है FEM करके। काफ़ी बार हमने ये नाम भी सुना है। FEM का फुल फॉर्म होता है फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। मतलब उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं और हर पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप एनालाइज कर सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलरली कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। सो FEM के ऊपर जब हम वर्क करते हैं, तो नेस्टैन या एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर जो है, उतने अप टू द मार्क उस लेवल तक काम नहीं कर पाते हैं। हमें इन डिटेल, इन डेप्थ में जाके किसी भी प्रोडक्ट का एकदम एक्यूरेट एनालिसिस करना है FEM के थ्रू, तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है Hypermesh। सो वाइडली यूज होने वाला अगर कोई सॉफ्टवेयर है एनालिसिस के अंदर, इन डिटेल के अंदर, तो वो है Hypermesh। जो कोई भी पर्सन अपना करियर एनालिस्ट के तौर पे बनाना चाहते हैं या फिर वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी एनालिस्ट के प्रोफाइल में, तो डेफिनेटली वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे। इसके बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है ये आपको FEM में वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, इसका अगर पर्टिकुलरली इस फेस का मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं Hypermesh के अंदर इस पूरे सरफेस को नंबर ऑफ एरियाज में क्या कर दूंगी, तोड़ दूंगी, छोटे 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 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दूंगी, जैसे हम मैशिंग कहते हैं, और उसके ऊपर फिर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो डेवलप करूंगी। सो आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं एड ऑन बेनिफिट दे रहा होगा आपके नॉलेज के अंदर। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ विजिट करिए हमारे सेंटर्स को। हम किस तरह से आपको टीचिंग मेथोडोलॉजीज हमारा रन करते हैं, किस तरह का सिलेबस देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं, तो इन सब डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर्स पर विजिट करिए। थैंक यू सो मच।